हाय टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान करे पप्पा आपको इस बार और नई खुशियां देके जाए और आप हेल्दी रहो, इको फ्रेंडली गणपति रखो जैसे कि मैंने रखे हुए हैं, वो देखिए छोटू से। और मैंने एक बार मैं आज गणपति जी लेने गई तो वहाँ पे एक इको फ्रेंडली गणपति जी बने हुए थे ट्रे में, छोटा बच्चा मोटा मेरे जैसा, मैंने वो भी ले लिया। पता नहीं मेरा मन, मैं वापस चली भी गई, फिर मैं आई, देखा मुझे चाहिए ये कहीं अगले साल। क्या पता पप्पा दे दे, हर साल कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। सो इस बार मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं हमेशा गणपति जी जब आने वाले होते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। लोग पूछते हैं कैसी तैयारियाँ की, मैं क्यों झूठ बोली, मैंने कोई तैयारी नहीं की, सब मेरी बहन ने किया है। और मेरी बहन भी कहती सब मैंने किया है, किया तो बेचारे वो फूल वाले मजदूर ने है, लेकिन श्रद्धा सबकी थी बीच में। और रिलेटिव्स आए हैं, आना जाना 2 दिन लगा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बस बस इको फ्रेंडली गणपति कीजिए, काफ़ी हद तक लोग समझदार हो गए, घरों में इको फ्रेंडली ही कर रहे हैं, और भी कीजिए। और एक दिन ऐसा आए कि हर जगह इको फ्रेंडली गणपति जी हो और हमारा मुंबई बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाए। इस वक्त क्या मांगे, कैश मांगे। इस वक्त सब खुशियाँ मांगी है, जैसे काम चल रहा वैसे ही चलता रहे, और मेरे और हर्ष की और पूरी फैमिलीज की हमारी हेल्थ सही रहे, और हमारी वजह से मैं चाहती हूँ कि और लोगों को काम मिले। क्योंकि जैसे मैं देखती हूँ कि खतरा खतरा के सेट पे हम जाते हैं, कितने सारे लोग वहाँ पे सेट उठाने वाले, प्रॉपर्टी उठाने वाले, लाइट वाले, तो मैं देखती हूँ यार मतलब एक शो की वजह से कितने लोगों को काम मिलता है। तो मैं यही कहूँगी गणपति पापा से कि बस खतरा खतरा चलता रहे हमेशा ही, और बहुत सारे लोगों को हमारी वजह से काम मिलता रहे और हमें उनकी दुआएँ लगती रहें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को TY के अ वेरी 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 हैप्पी गणेश चतुर्थी। जी हाँ, फिर से बप्पा आ गए हमारे घर और बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है। सब वेट करते हैं, मैं खुद वेट कर रही हूँ कि पापा कब मेरे घर आएंगे। बहुत लकी फील करती हूँ कि हर साल घर आते, 23 इयर्स हो चुके हैं अभी ना आते आते, 23, हाँ ऐसा ही कुछ, मैं भूल गई हूँ कितने साल हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गणेश जी आए, तो जी हाँ बहुत खुश हूँ। तो इस बार हम दोनों के पसंद के आए गणेश जी, और बताओ कैसे लगे आपको गणपति जी? बहुत अच्छा लगा, सारी अरेंजमेंट कांची ने करा और पप्पा की मेहरबानी बनी रहे हम पे सभी पे, और ऐसे ही आते रहे हमारे सबके घर। अच्छा लग रहा है कि और ज़्यादा लोग रख रहे हैं आजकल गणेश जी। और रोहन आउट, हाँ रोहन एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, रोहन आएगा आज रात को, रोहन इज नॉट इन इंडिया, ही इज गॉन आउट फॉर वर्क। तो हाँ मम्मी एक्चुअली ज़्यादा मिस कर रही है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसको, क्योंकि एवरी ईयर बड़ा डांस वांस कर रहा था, तो आज जरा गणपति आए तो थोड़ा सा मिस होने लगा डांस। कुछ भी नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। हाँ एक विश है घर वो मैं 2-3 साल से वेट कर रही हूँ, बट जी हाँ सून, शायद इस साल, शायद अगले साल आए नए घर में, सो देखते हैं हम। लेकिन बस कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलती हूँ, आशीर्वाद चाहिए, और ऐसे ही हर साल बस हमारे घर आते रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी श्रद्धा ऐसी बनाए रखे भगवान में, और दिल से पूजा करिए, और अपने घर गणेश जी लाइए और गणपति फेस्टिवल मनाइए। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, थैंक यू।